यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 11 देखियो। इट इज गिवन दैट एट एक्स इक्वल टू वन द फंक्शन, ये आपका फंक्शन है एक्स पावर फोर माइनस 62x² प्लस ए एक्स प्लस 9, यह फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। वन पर यह मैक्सिमम वैल्यू पा रहा है, डोमेन आपका है 0 to 2, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए। तो ध्यान दें, मैक्सिमम वैल्यू पा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पर पाएगा, इसका मतलब वन आपका क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सपोज कर लिए आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर फोर माइनस 62x² प्लस ए एक्स प्लस 9, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर फोर का डेरिवेटिव 4x³ माइनस 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और 2 का इसे मल्टीप्लाई होगा 2 × 4 = 12, 124x प्लस ए कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1, ये डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। हमको पता है कि 1 पर ही ये मैक्सिमम वैल्यू पा रहा है, ठीक है, इसका मतलब 1 पर स्लोप 0 है, सिंस एफ डैश 1 इज इक्वल टू 0। एफ डैश 1 कैसे निकलेगा, यहाँ 1 पुट कर दो तो ये आपका आ जाएगा 4 × 1³ माइनस 124 इंटू 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये 4 − 124 प्लस ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 120, ये आंसर आ गया एक ही, ठीक है। स्लोप 0 है 1 पर, क्यों, क्योंकि 1 आपका क्रिटिकल पॉइंट है, इसलिए स्लोप 0 हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर आपका 12, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, ये आपका फंक्शन है एक्स प्लस साइन 2x, ठीक है, कहाँ पे बताना है, क्लोज इंटरवल 0 to 2π, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लेट कर लीजिए फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x, ठीक है, आर्गुमेंट साइन 2x है, साइन का आर्गुमेंट 2x है, देन आप इसे डिफ्रेंशिएट करें क्रिटिकल पॉइंट के लिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन का डेरिवेटिव कॉस, आर्गुमेंट 2x, फिर आर्गुमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 1 देयरफॉर 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ से cos 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2, पहले 1 जाएगा इधर तो फिर उसके बाद 2 आएगा -1/2, ठीक है। अब आपको यह याद रखना है -1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे cos 2π/3 के, ठीक।
तो टू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टू एम पाई प्लस माइनस टू पाई बाई थ्री। एन आपका इंटीजर है, ठीक है। आप एक्स एन की वैल्यू पहले जीरो रखिए, वन रखिए, टू रखिए, ठीक है, थ्री रखिए, या ऐसे रखिए प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, ऐसे रख सकते हैं। तो अलग अलग आपको एंगल मिलेगा। अभी ये जनरल सलूशन है, ठीक। तो आपका यक्स जो है वो जीरो टू टू पाई है, यक्स जो है वह मेंबर है जीरो से टू पाई का। तो अगर यक्स जीरो से टू पाई का मेंबर है तो यक्स आपका जीरो टू टू पाई, तो टू यक्स आपका बन जाएगा जीरो से टू फोर पाई। आपका टू एक्स जो होगा वो जीरो टू फोर पाई तक जाएगा, ठीक है। इसलिए हम एन की वैल्यू यहाँ पहले जीरो रखेंगे, फिर देखेंगे टू एक्स क्या आता है। तो जब जीरो रखेंगे एन के पोजीशन पर तो टू एक्स इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा तो टू पाई बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस टू पाई बाई थ्री आएगा। तो हम जीरो के आगे ही चलेंगे इसलिए माइनस वाला नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तो जीरो रखने पर आ गया। जब आप यहाँ पर एन के पोजीशन पर वन रखेंगे तो या माइनस वन रखें, जो भी आप रखना, तो चलो पहले माइनस वन रखते हैं। तो ये हो जाएगा टू मल्टीप्लाई माइनस वन इंटू पाई, माइनस रख रहे हैं, ठीक है। तो कितना आएगा ये, प्लस माइनस टू पाई बाई थ्री, ठीक है। अब यहाँ पर भी प्लस माइनस में कोई एक लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, चलो पहले प्लस लेके चलते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस टू पाई प्लस टू पाई बाई थ्री, ये कितना हो जाएगा माइनस सिक्स पाई, माइनस सिक्स पाई, माइनस सिक्स पाई प्लस टू पाई बाई थ्री, माइनस फोर पाई बाई थ्री। तो माइनस तो लेना नहीं है इसलिए माइनस को मत रखो, ठीक है, माइनस वन मत रखो, आप प्लस वन रखो, ओके। तो यहाँ पर माइनस को नहीं हटा देते हैं, ठीक। तो माइनस को नहीं रखना है तो प्लस में आप चाहे सिंबल ऐसे लिख लो वन टू थ्री, ठीक है, माइनस वन। तो हमने क्या कहा कि अब हम वन रखेंगे, ठीक है। तो ये टू पाई हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस में कोई एक लेके चलेंगे, पहले पहले प्लस दिखाते हैं, टू पाई प्लस टू पाई अपन पाई बाई थ्री, ये हो जाए तीन दूनी छः दूनी आठ, ये हो गया एट पाई बाई थ्री, ठीक है। अगर माइनस लेके चलेंगे यहाँ पर, अभी तो मैंने प्लस लिया, फिर माइनस लेंगे जब, तो तीन दूनी छः फोर पाई आ जाएगा, फोर पाई अपान थ्री, ये तो वन की बात हो गई, ठीक है। ये आपका रिजल्ट जीरो के अकॉर्डिंग आया, वन के अकॉर्डिंग आया। अब टू के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। टू डालो यहाँ पर, तो टू डालेंगे दो दूनी चार,
फोर पाई प्लस, पहले प्लस लेते हैं, 2π/3 तो कितना है, 3 × 4 = 12 × 14, ये हो जाएगा 14π/3। ठीक है, अगर माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 3 × 12 = 10, 10π/3। ठीक है, अब देखो ये 2x आपके, तो आपने 2 रखा था, 2 को भी आ गया। अब चलो देखो कितने हमारे, कितने की ज़रूरत है, अब फिर उसके बाद 3 रखेंगे। हमको 4π तक जाना है, ठीक है, 4π तक। अब ये देखो, ये आपका अगर 8/3 है ना, अगर 8 में 3 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, 3 × 6। ठीक है, अभी तो ये 2 जा रहा है, अगर इसको देखें 10/3, यहाँ 3 तक करना, 1 3 जा रहा है, 4 तक जाना चाहिए, ये नहीं जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 14/3 कितना जाएगा, 3 × 12 ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब इसको नहीं लिखना है। ठीक, इसको नहीं लिखना है, ओके। चलो 3 रख कर देखते हैं, 3 रखने पर क्या आएगा, यहाँ 3 रखो, तो 3 रखेंगे, 3 × 6 6π प्लस करने से ज़्यादा हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं, 2π/3, 3 × 18 = 16, तब भी ज़्यादा है गया, तो 3 को नहीं रखना है। ठीक है, बस यहीं तक, इसको भी नहीं चलेगा, तो ये हमारा आंसर आ गया है। टू, ये हमारा 2x के अकॉर्डिंग एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो x के अकॉर्डिंग क्या आएगा, x के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 5/3, 2 से डिवाइड करोगे जब इसको तो 5/3, इसको करेंगे तो 2π/3, इसको करेंगे तो 4π/3, इसको करेंगे तो 5π/3। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर आपका जो है f(x) 0 होगा, तो ये क्रिटिकल पॉइंट निकला। तो क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर दिखाते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट आप जितनी जल्दी निकाल लेंगे उतनी अच्छी बात है। ठीक है, आप डोमेन जो है 0 से 2π, यहाँ पर आपका 0, यहाँ आपका 2π, तो π/3, फिर 2π/3, फिर 4π/3, फिर 5π/3, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं। अब आप नंबर लाइन पर जितने पॉइंट तुमको दिख रहे हैं सारे पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे और देखेंगे सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पॉइंट पर आता है और किस पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू ऑफ फंक्शन आता है। ठीक, आपका जो फंक्शन है, जो दिया गया फंक्शन है वहीं से निकलेगा, f(x) आपका है x+sin2x। ठीक है, तो पहले तो आप 0 डालो, f(0 0 + sin 0 0, 0 आंसर आ गया। ठीक, अब π/3 डालो, f(π/3 इज इक्वल टू यहाँ π/3
प्लस साइन टू इंटू पाई बाई थ्री यानी 2π/3। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है, पॉजिटिव आएगा, इसको लिखेंगे पाई बाई थ्री प्लस साइन 2π/3, मतलब पाई माइनस पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री का मान होता है √3/2, √3/2 ये हो गया। ठीक है, ऐसे जितने पॉइंट हैं सब पर निकालेंगे f ऑफ 4π/3, इस पर भी निकालिए f ऑफ 5π/3, इस पर भी निकालिए f ऑफ 2π, यहाँ पर भी निकालिए। ठीक, नंबर लाइन पे जितने पॉइंट हैं सब पर आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन हम लोग जो फंक्शन दिया जाता है यहीं से निकलता है। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा किस पॉइंट पर सबसे अधिक वैल्यू आएगी। यहाँ पर 2π/3 छूट गया है। ठीक है, तो चलो फिर से लिख लेते हैं एफ ऑफ 2π/3। ठीक है, इज इक्वल टू 2π/3 प्लस साइन ऑफ 4π/2 इंटू 2π/3 4π/3। ठीक, 2π/3, ये देखो आप पाई प्लस पाई बाई थ्री यानी आप थर्ड में जा रहे हैं, थर्ड में जा रहे हैं इसलिए माइनस में आएगा, माइनस में √3/2। ठीक है, अब आप 4π/3 पर इवेल्यूएट करें फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 4π/3, 4π/3 प्लस साइन ऑफ इस 2x है ना, तो 8π/3 हो जाएगा, 8π/3, 4π/3, ये देखो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, तो मतलब है कि जा रहा है फर्स्ट में 2π/3, तो फर्स्ट में जा रहा है तो 2π/3 सेकेंड में जा रहा है, सेकेंड पॉजिटिव यानी √3/2। ठीक, अब आप लिखेंगे एफ ऑफ 5π/3, 5π/3 प्लस साइन ऑफ इसका डबल 10π/3। डबल इसलिए हो रहा है, यहाँ आर्गुमेंट देखो क्या है, 2x है, तो 5π/3 प्लस, अब देखो ये कहाँ जाएगा किस क्वाड्रेंट में, 10π, 3 × 3 = 9, मतलब 3π/1, ये थर्ड में जा रहा है, तो थर्ड में जा रहा है तो माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस √3/2, ये आपके 5। अब आप 2π पर इवेल्यूएट करेंगे, जितने पॉइंट हैं नंबर लाइन पर सब पर इवेल्यूएट करेंगे 2π पर, 2π प्लस साइन ऑफ 4π इसका डबल 4π, तो साइन 4π 0 होता है, तो 2π, ये आपके वैल्यूज हैं। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज आए हैं ज़रा देख लो, 0 पे 0 आया है, π/3 पर π/3 प्लस, अच्छा एक बात जान जाओ कि पाई की वैल्यू 3.14 ऐसा होता है ना, तो उसको 3 से डिवाइड करोगे तो 1 के आसपास आएगा, तो और √3 की वैल्यू जो होगी वो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगी है ना, बट 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो भी बहुत कम हो जाएगी,
तो कहने मतलब ये पूरी क्वांटिटी 1 के आसपास में है जो ये रिजल्ट आया है। तो ठीक वैसे ही ये आपका 2 पाई मतलब 6 पॉइंट समथिंग होगा, 3 से डिवाइड किया जाएगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, उसमें से कुछ कम कर देंगे तो 1 के आसपास ये भी रहेगा। ठीक, अब इसका देखो ये 4 पाई, 4 पाई के मतलब ये जाएगा 12 के आसपास, 3 से डिवाइड करा दोगे तो 4 के आसपास रहेगा। तो ठीक है, उसमें 1 पॉइंट वहाँ थोड़ा सा ऐड होगा, 4 के आसपास रहेगा ये वैल्यू। ठीक, अच्छा ये वैल्यू भी देखो, अगर ये वैल्यू आपकी जाएगी 5 पाई, 5 पाई मतलब हो गया पाई 3 दशमलव कुछ है, 3 पॉइंट कुछ है ना, तो 5 15 से 3 से 5 के आसपास होगा, उसमें से कुछ निकाल देंगे तो 4 के आसपास ये भी रहेगी। ये कितना हो जाएगा, 3.14, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगी, सबसे ज़्यादा यही है। ठीक है, 6, तो क्योंकि ये 6 के आसपास जा रही है तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 2 पाई है, 2 पाई पर। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू 0 है, 0 पर। इस बात को लिखेंगे आप मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पाई, मिनिमम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर ये भी लिख दो, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पाई पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, यानी क्रिटिकल पॉइंट पर हमारे अधिक वैल्यूज नहीं आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 बन गया। ओके।